सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस ये है मेरा पार्ट थर्ड। पार्ट वन आपने देखे ही होंगे, जो कि मैं बापूलाल बादशाह जी की दरगाह में गई थी, और सेकंड पार्ट में मैं मुराद शाह जी की दरगाह में गई थी, और थर्ड पार्ट में मैं आई हूँ विकी साई जी की दरगाह में। मैं यहाँ पे तीनों दरगाहों में फर्स्ट टाइम आई हूँ, और मुझे यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एक्सपीरियंस में। तो मैं तो चाहूँ कि मुझे भगवान मतलब कि हर साल हर महीने बुलाए मुझे, मैं बहुत खुश हूँ। तो गाइस अभी मैं यहाँ पे आके मुझे यहाँ का भी व्यू बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पे थोड़ा अंधेरा हो गया था हमको आने में, तो एक साइड पूरे मतलब खेत ही खेत थे, और दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल था। तो ये छोटी सी गलती जहाँ से हमको होके जाना था, एक मेन एंट्रेंस भी थी बट वो हमको नहीं पता थी, वहां पे हम अंदर गाड़ी लेके भी जा सकते थे बट हमको नहीं पता था। तो ये कुछ गली गली में यहाँ पे बहुत सारी शॉप थी जो कि आपको दिन में खुली हुई दिखेंगी, हम रात को आए थे तो सारी शॉप्स वगैरह यहाँ पे बंद थी। तो मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि ये शटर वगैरह बंद कैसे होते हैं, कुछ समझ नहीं आई। फिर मैंने सिर वगैरह अपना कट लिया, ढक दिया आई मीन्स टू से। तो फिर मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि पापा को बता रही थी कि पापा ये शटर खुलते कैसे हैं, ना तो इसका कोई लॉक है ना कुछ, मैं थोड़ी ना जासूसी कर रही थी ये खुलते किस तरह से है। फिर आगे जाते ही यहाँ पे एक शॉप हमको खुली दिखी, बट यहाँ पे हमने को मिठाई का डब्बा वगैरह लेना था तो वो यहाँ पे था नहीं। फिर हमने ऐसे ही चले गए, हमने पैसे वगैरह चढ़ा दिए आगे जाके। तो कैसे यहाँ पे कुछ लोग और भी आए हुए थे, तो यहाँ का रास्ता हमको नहीं पता था, यहाँ कुछ लोगों ने गाड़ी लेके अंदर तक आए हुए थे वो हमको नहीं पता था। तो ये कुछ इस तरह से था यहाँ का व्यू, एंट्रेंस यहाँ दी थी, ये देखिए गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है, हमको मेन रास्ता ही नहीं। तो गाइस यहाँ पे था मेन गेट का एंटर। तो यहाँ पे जाते ही सबसे पहले मेरे को अच्छा व्यू लगा जो कि था यहाँ पे लाइट्स वगैरह का डेकोरेशन। उसके बाद हमने यहाँ पे अपने उतारे शूज, तो यहाँ पे पापा भी उतारे, अम्मा भी उतारे, हम सभी ने यहाँ पे उतारे शूज। यहाँ पे आपको सॉक्स वगैरह उतारने की जरूरत नहीं है। तो गाइस यहाँ पे मैं अंदर अपनी वीडियोस वगैरह बना ही रही थी, तो पीछे से मुझे आवाज आ गई कि फोन वगैरह बंद कर दो, यहाँ पे आप वीडियो नहीं बना सकते हो। बट मैंने छोटे छोटे से ऐसी कैप्चर कर ली है, तब भी मैंने हल्का हल्का सा, पूरा मैं आपको नहीं दिखा पाई, तो जो कि अच्छा नहीं है, उन्होंने मना किया तो अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर आगे जाते हैं यहाँ पे बाइक्स वगैरह, यहाँ पे बाहर आके यहाँ पे वीडियो बना सकते हो। तो यहाँ पे बाइक्स वगैरह थी, कुछ बुलेट्स वगैरह थे जो लोगों ने इनको गिफ्ट किए हुए हैं दरगाह में, जिनकी भी विश वगैरह पूरी होती है, जिनसे जो जितना बनता है वो अपने आप यहाँ पे चढ़ा देता है। तो वैसे यहाँ पे सुनो देखो एंजॉय करा था फुल, क्योंकि गाड़ी में वो इतना बोर हो गया हुआ था ना, उसको था कि मैं कहीं दौड़ू चलू, तो उसको मैंने छोड़ दिया, तो जितना खेल सकता है तू खेल, बेचारा आगे जाके गिर गया यहाँ पे, बट कोई नहीं वो खुद ही उठ गया था। फिर आगे जाके उसको मिल गया एक फ्रेंड जो कि उससे बहुत कर रहा था मस्ती। तो यहाँ पे ये देखिए दोनों खेल रहे थे, इतना जोर जोर से दौड़ रहे थे, तो मैं इसको वो तो खेल रही थोड़ी देर, ऐसे बच्चा बैठ के भी उठना बोर हो जाता। तो गाइस एक बात मेरे से ये हुई है कि मेरे से ना, मैंने रिकॉर्ड तो वीडियो कर ली थी बट मैं वॉइस ओवर देना मतलब वॉइस ओवर तो दिया था मैंने, बट मेरी रिकॉर्ड ही नहीं हुई वॉइस, तो फिर मुझे घर पे आके वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो गाइस अब मैं बैठ गई हूँ लंगर खाने के लिए, लंगर मैंने नहीं खाया था, मम्मा ने खाया था, और सुनो को मैंने थोड़ा सा खाया था क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। एक्चुअली मैंने बल्ले खाए थे तो उससे मुझे भूख जो थी वो नहीं लग रही थी। तो फिर यहाँ पे इन्होंने दाल ली, साथ ही रुमाली रोटी मिली, और अभी हम जा रहे हैं घर को वापस, मतलब घर को नहीं जा रहे हैं, रात काफी हो गई थी इसलिए हमने अमृतसर में जो है वो स्टे करने के लिए सोचा। पहले तो हमने सोचा कि हम घर चल जाते हैं, फिर हमने बोला नहीं रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि गाड़ी वगैरह का कोई कुछ पता नहीं होता, इसलिए हम चले गए। तो गाइस मेरे हमने ले लिया यहाँ पे होटल, अब मेरी आगे की वॉइस जो है वो आ गई थी। तो अब देखिए अभी हम नकोदर वगैरह से होके आ गए हैं, अभी हम जा रहे हैं, हमने रूम लिया है तो अपने रूम वगैरह में सारा सामान वगैरह रख दिया। अभी हम जाने हैं नीचे रोटी खाने के लिए, ये बाहर है पापा जी बाहर है, तो बस हम लिफ्ट में जा रहे हैं नीचे फ्लोर पे। तो चलो तो गाइस पहले रोटी वगैरह खा के आती हूँ, फिर मैं आपको पूरा विस्तार में बताऊंगी कि हमने ये रूम कितने का लिया है और ये रूम कैसा है, ठीक है? अभी मैंने आपको रूम नहीं दिखाया है, फिर रूम दिखाऊंगी, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि रूम मैंने कितने का लिया है और कहाँ लिया है, जो कि गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने है। और देखिए आपको गुरुद्वारे ब्राह्मण का ढाबा में, जो कि आपको मैं ये रेकमेंड करूँ कि यहाँ पे आप कभी मत आना, कभी मत, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है बहुत बहुत हैवी है, मतलब हाई है। मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा इसका मेन्यू, बस ये मेन्यू है इनका। तो आप इनकी दाल फ्राई देख लो जो कि है 240 की, तो गाइस ये है इनके रेट।
350 से कोई भी कम नहीं है। इन्होंने ना पूरी लूट मचाई हुई है। राइस की एक प्लेट जो ली थी ना वो मैंने 220 की ली है। इतनी हाई प्राइस है इसका, तो क्या बोलूँ। तो गाइस मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप यहाँ पे कभी मत आना, कभी भी नहीं, भूल के भी नहीं। हमने यहाँ पे मंगाया, तो गाइस हमने यहाँ पे मंगाई है कढ़ाई पनीर, दाल मखनी और चना मसाला, जो कि बहुत आपको दिखा देते हैं। जो हमारा इतना हैवी, जो इतना भारी रेट आने वाला, ये बटर रोटी है जो कि नॉर्मल ढाबे पे मिल जाती है। और ये सब्जी है, शाही पनीर और चना मसाला एंड दाल मखनी की सब्जी। तो गाइस इनका बहुत कॉस्टली रेट है, बहुत। आप राइस की प्लेट देख लीजिए जो 220 की है, एक जना क्या ही बोलूँ यार, इसकी मैं कुछ नहीं बोलती इसके ढाबे की। ये कहने को ढाबा लेकिन है 5 स्टार है ना। तो गाइस जो ब्लैक मल दाल मंगाई है वो भी ठीक है, शाही पनीर बेकार, पता भी नहीं चल रहा कि पनीर है भी है कि नहीं, मतलब टेस्ट है भी है कि क्या टेस्ट समझ नहीं आ रही है। वाइट वाले चने थोड़ा ठीक है। तो गाइस हमने रोटी वगैरह खा ली और बिल हमारा जो आया, मैंने आपको बोला मैं बाहर, तो गाइस मैंने बोला मैं बाहर जाकर बिल बताती हूँ। तो गाइस जो बिल हमारा आया वो 1500 कुछ आया, जो कि इतना ज़्यादा भी लाया, हमने खाया भी थोड़ा थोड़ा ही है, दो दो नान खाए होंगे सिंपल। और गाइस अभी हम पहुँचे यहाँ पे गुरुद्वारे, और यहाँ पे आपको अभी कुछ भी नहीं मिलेगा। जहाँ घूमना है घूमो, जहाँ जाना है जाओ, कोई टेंशन नहीं, मतलब ये पूरा खाली है। तो गाइस अभी हम आ गए अपने होटल में, रोटी चोटी खा के ये वाला लिया द होटल हेरिटेज व्यू। तो बस ये होटल लिया हमने, जो कि ऐसा है और कुछ हेरिटेज व्यू। तो चलिए आपको अंदर दिखाते हो। कहीं सभी हम आपका रूम दिखाते हैं कौन कौन से। रेस्टरूम में जाने से पहले सबसे पहले आपको लिफ्ट लेनी पड़ेगी। अमन को तो आने का नहीं है, नहीं जाएंगे पहले, चाबी तो मन में हो जूनी अबे बोल रहा हूं अमन को आने का, कोई बात नहीं। ओए ओए चिंटू क्या हो रहा है, झूठा क्यों नहीं आया फर्स्ट टाइम लिफ्ट में। दरवाजे की चाबी तो अमन के पास है। तो गाइस अभी हमने रूम में ले लिया यहाँ पे डबल बेड, जो कि ये बेड है और ये। तो गाइस रूम तो काफी अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, बट सबसे जो गंदी बात लगती है मुझे ये जो ब्लैंकेट ऊपर लेने पड़ते हैं ना, वो सबसे गंदे लगते हैं मुझे। चलो क्या करना है, रात भी तानी है, बाकी लुक वाइज तो अच्छा ही है ना। इन्होंने साबुन दिए, टब दिए ना, इन्होंने एकदम। चलो बट क्या बोल रहा, रात भी जाते हैं उसके बाद देखते हैं। चलो गाइस, चलो गाइस चलिए अब सोने लगी, हम सोने लगे यहाँ पे, रूम का हमने देर भी ले लिया तो अब कुछ नहीं, सोने लगे गंदे वाले कमरों में। तो गाइस आज है हमारा अमृतसर में डे 2। फर्स्ट डे था हमारा नकोदर में, जो कि हम घर से निकले थे, फिर वहाँ पे हमने पूरी रात लगाई, मतलब घूमे फिरे, तो हमको रात हो ही गई थी। तो आज है हमारा डे 2, जो कि हमने अमृतसर में स्टे किया है।
तो अभी सुबह वगैरह उठी है और हम सब नहा होके हो गए हैं रेडी। रात को मैंने ड्रेस, रात को मैंने ड्रेस चेंज किया था, सुबह मैंने यूनिवर्सल ड्रेस डाली क्योंकि बाकी ज्यादा ड्रेस मैंने यही लाए थे। उसके बाद ये हम सब उठ गए हैं, पापा जी गए हैं अंदर नहाने के लिए, ये भी रेडी हो गए हैं, ये भी रेडी हो गए हैं, और ये जो लड़का है ये उठने का नाम नहीं ले रहा, बिल्कुल भी नहीं उठने का नाम ले रहा है, इसको इतने ड्रामे हो रहे हैं। देखो बोल रहा मैंने जाना ही नहीं है, और ये बोल रहा है कि इस पिल्लो को पैक करके लिफाफे में डालो, बैग में डालो, बोल रहा है इस पिल्लो को पैक करके लिफाफे बैग में डालो, मैं को घर के लेके जाना है। देखो इसको कितनी, इसको नींद आ रही है, हम जा रहे हैं सब घर के लिए लेकिन इसको आ रही है नींद, उठने का नाम ही नहीं ले रहा। तो गाइस चेकअप करने लगे हैं, तो हमने सामान वगैरह सारा अपना पैक वगैरह कर लिया है यहाँ पे, और ये ब्लैंकेट्स वगैरह जो कि हमने रात को लिए थे वो भी ले लिए हैं, वो ले ली नहीं, वो छोड़ दिए, वो थोड़े देख जाएंगे। तो बस गाइस अभी हम जाने लगे हैं यहाँ पे, तो चलिए गाइस अभी हम थोड़ा सा बाहर अमृतसर वगैरह घूमेंगे, थोड़ा खाएंगे पियेंगे, देन उसके बाद हम जाएंगे एक मंदिर है यहाँ पे जो कि मॉडल टाउन में है, या हम उसको मॉडल टाउन मंदिर बोलते हैं या फिर मॉडल टाउन में है ये नहीं मुझे पता, अब जाके ही पता चलेगा, क्योंकि हम जब पिछली बार आए थे तो हम नहीं तब नहीं गए थे, तब टाइम ही था हमारे पास, बहुत लेट हो चुके थे, तो शायद कि हम आज जाएँ। लेट्स गो गाइस। क्या आपको होटल कैसा लगा? आपको होटल ना घटिया घटिया, नो गुड सर्विस। तो इसको गाइस हम रेटिंग क्या दोगे आप? -5 स्टार -5। आप पापा जी आप कितने स्टार दोगे इस होटल को? कितने स्टार दोगे इस होटल को? इसको 0। डैडी ने 0 बोल दिया। मम्मी आप ठीक है? मम्मी किसी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ठीक है यार, चलो क्या। और मेरी तरफ से भी रूम वाइज ठीक था बट सर्विस वाइज नॉट ओके। तो गाइस अगर आपको यहाँ पे सिर पे बांधने के लिए पटके वगैरह चाहिए तो वो आप यहाँ से भी ले सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे पैसे दे के लेने पड़ेंगे। जब आप अंदर जाते हो गुरुद्वारे में माथा देखते हो तो वहाँ पे बड़े बड़े उन्होंने बकेट्स लगाए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। जूती तो बहुत ज़्यादा आप वैराइटीज में मिल जाएंगी, चलिए हाय आजू 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 कम 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 भागो भागो भागो। हाँ तो गाइस यहाँ से हम खाएंगे नान विद लस्सी, इसको ना हर टेबल के ऊपर डांस करना होता है। यहाँ पे हमारे जम्मू से अलग मिठाई है थोड़ी, मतलब नाम ही कुछ अलग अलग है, पतीसा पिन्नी स्पेशल दाल बर्फी चैना मुर्गी चॉकलेट क्या है रोस्टेड कलम कलम रोस्टेड कलम अभी मैं ये करूँगी अपनी फेवरेट चीज टेस्ट। चंद्रकला आज तुम चंद्रकला खा रही हो? चॉकलेट बर्फी होती है ना उन्होंने पीसेस किए है, टेस्ट वही होगा। ये शाना बड़ी बढ़िया दाल बर्फी स्पेशल
व्यू चेक करो आप। शनि ने खाई चंद्रकला। चंद्रकला शनि हमने कौन सी शनि हमने क्या खाई? चंद्रकला। चंद्रकला कैसे करती है? अंकल हमारी वीडियो बना रहे भी लग रहा ये देखो सुचियां जो तुम बोलते हो। यू वॉन्ट टू ईट ये डालो। तो गाइस हम यहाँ पे आए पावन मार्केट में। ये देख कैसे खा रहा है, कैसे खा रहा है ये, कैसे खा रहा है।